हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया ऐसा मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो जो मेडिसिन यूज़ करने के बाद बीमारी सही हो जाती है लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो आप देख पा रहा है स्क्रीन में 300 से ज़्यादा मेडिसिन जो जो बैन किया गया था। तो क्यों बैन किया गया था एंड इसका बीज में जो जो सबसे कॉमन यूज़ होता है उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो एंड तक बने रहना एंड जो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, उन सभी दवाइयों का कॉम्बिनेशन क्या है, यूजेस क्या है एंड साइड इफेक्ट क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करें। कॉम्बिनेशन निमेसुलाइड एंड पैरासीटामोल टैबलेट, ये दोनों कॉम्बिनेशन को जो दवाइयाँ बनाता है वो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। इसको गवर्नमेंट द्वारा बैन किया गया था। यूजेस, इट यूज फॉर पेन रिलीफ, जो कि पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट, वोमिटिंग वगैरह हो सकते। डायरिया भी आ सकते। इंक्रीज लीवर एंजाइम्स, जो कि लीवर का एंजाइम को इंक्रीज करते थे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। प्रोमिथाजिन एंड फोल्फोडाइन यूजेस, इट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कॉफ, किसी का कॉफ वगैरह हो रहा है, ड्राई कॉफ, उन सभी के लिए यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट, वोमिटिंग वगैरह आ सकते, डिजीनेस वगैरह हो सकते, कंस्टिपेशन भी साइड इफेक्ट आ सकते, न्यूशा भी हो सकता। नेक्स्ट क्या कॉम्बिनेशन है जानेंगे। कॉम्बिनेशन एमोक्सिसिलिन एंड ब्रोमिथाजिन, यूजेस, इट यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन वगैरह आ जाए तो उस प्रकार इन्फेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट, डायरिया वगैरह हो सकता है। इंडिकेशन वगैरह हो सकते, हेडेक वगैरह हो सकते, एलर्जी कंडीशन, किसी का एलर्जी कंडीशन भी हो सकता है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसको भी बंद किया गया था। क्लोरोफेनोलामाइन मिलाकर एंड कोडिंग, जो कि कफ सिरप है, बहुत अच्छा सिरप है, इसका भी बैन किया गया। यूजेस, इट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कॉफ, इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा है इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। साइड इफेक्ट, कंस्टिपेशन के, ज़्यादा कंस्टिपेशन होता है, वोमिटिंग वगैरह होता है, डिजीनेस वगैरह हो सकते, स्लीपनेस, नींद का प्रॉब्लम आ सकते, दिक्कत हो सकते, बहुत ज़्यादा निशा भी हो सकते, बहुत ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट है इसीलिए इसको बैन कर दिया है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे, ब्रोमोहेक्साइन, डेक्सट्रोमीथरफन एंड अमोनियम क्लोराइड, इन तीनों कॉम्बिनेशन के द्वारा एक सिरप है जो कि
खांसी के लिए यूज़ किया जाता है। यूजेस, इट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। कफ सिरप है जो कि कफ के लिए यूज़ किया जाता है, खांसी में ज़्यादा यूज़ होता है। साइड इफेक्ट, इंडिगेशन वगैरह हो सकते। अपसेट स्टोमक, स्टोमक में प्रॉब्लम वगैरह हो सकते, डायरिया भी हो सकते, हेडेक वगैरह हो सकते एंड एलर्जी कंडीशन, आंखों में जल रहा है, रेड ज़्यादा हो गया है, कोई एलर्जी वगैरह बॉडी में हो जाता है, इसीलिए इसको बंद कर दिया। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे, साल्बुटामोल एंड ब्रोमहेक्साइन। यूजेस, इट ट्रीटमेंट ऑफ कफ, जो कि कफ के लिए यूज किया जाता है, कफ सिरप के लिए। इसका साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे, साइड इफेक्ट क्या है। पैल्पिटेशन भी आ सकते, मसल क्रैम्प, मसल में क्रैम्प वगैरह हो सकते, थ्रोट इरिटेशन, मुंह में इरिटेशन वगैरह हो सकते, हेडेक वगैरह आ सकते। सो फ्रेंड, आज का वीडियो यहाँ पे एंड है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।